कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर आईटी का छापा 10वें दिन खत्म हो गया है। धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के झारखंड और उड़ीसा स्थित विभिन्न ठिकानों पर आयकर की छापेमारी में करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए हैं। शुक्रवार को एक साक्षात्कार के दौरान सांसद ने पहली बार मीडिया के सामने इस मामले में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आयकर द्वारा बरामद पैसा उनके परिवार से संबंधित व्यवसाय का है, इसका कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बरामद पैसों के कालाधन होने के भाजपा के दावों पर धीरज साहू ने कहा कि यह आयकर विभाग तय करेगा, समय आने पर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सांसद ने आगे कहा कि यूं तो मैं वर्ष 1977 में ही राजनीति में आ गया था, लेकिन सक्रिय राजनीति में 30-35 वर्षों से हूं। मेरे बड़े भाई शिव प्रसाद साहू 2 बार रांची के सांसद रहे। पिता बलदेव साहू बड़े समाज सेवी थे, उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। हमारे परिवार ने रांची, लोहरदगा और उड़ीसा में कई विकास कार्य किए, कई स्कूल और कॉलेज खुले। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो पैसा पकड़ा गया है वह मेरे परिवार से जुड़े फर्म का है। हमारा परिवार तकरीबन 100 वर्ष से ज्यादा समय से शराब का कारोबार चला रहा है। तो धीरज साहू के आवास पर आईटी का छापा 10वें दिन खत्म हो गया है, और छापेमारी खत्म होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हैं धीरज साहू, और उन्होंने ये कहा है कि जो भी पैसा पकड़ा गया है वो उनके व्यवसाय से जुड़े लोगों का है, उनके फर्म का है। और उन्होंने ये भी बात कही है कि समय आने पर हर पैसे का जवाब दिया जाएगा। पैसा जो इतना उनके आवास से छापेमारी मिला है, इन तमाम चीज़ों का जो ब्यौरा है वो आईटी को देंगे। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीरज, 10वें दिन आईटी का छापा खत्म हो गया है धीरज साहू के आवास से, और बड़ी बात यह है नीरज कि पहली बार मीडिया के सामने आए हैं धीरज साहू छापेमारी के बाद, और उन्होंने ये कहा है कि जो भी पैसा मिला है वो उनसे जुड़े फर्म का है, चूंकि 100 वर्षों से उनका जो परिवार है वो शराब का कारोबार चला रहा है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जितना भी पैसा मिला है वो उनसे जुड़े व्यवसाय का है, साथ ही साथ भाजपा के आरोप की ये काला धन है इस पर भी उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है, और ये कहा है कि वो हर पैसे का हिसाब भी देंगे। हाँ बिल्कुल नवीन, देखिए 10वें दिन जो है यानी कि कल धीरज साहू के जो रांची और लोहरदगा के आवास पर छापेमारी चल रही थी, उससे पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। उन जगहों पे हालांकि पहले छापेमारी खत्म हो चुकी थी, बस लोहरदगा और रांची में जो छापेमारी थी वो जारी थी, और 10वें दिन यानी कल समाप्त हो चुकी है। और कल ही जो है धीरज साहू जो की राज्यसभा सांसद है और उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, उन्होंने एक बयान दिया, एक न्यूज एजेंसी को बयान दिया है, और ये कहा है कि उनके यहाँ से जो राशि बरामद किए गए हैं वो राशि उनके फर्म का यानी कि उनके परिवार से जुड़े जितने भी फर्म्स है, जो प्रॉपर्टीज है उससे संबंधित जो कंपनीज है उससे रिलेटेड है और उन से जुड़े हुए जो है वो पैसे हैं, और इससे पार्टी का यानी कि कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से जुड़ा हुआ पैसा नहीं है। इनकम टैक्स मामले की जांच कर रही है, इनकम टैक्स का इंतजार करना होगा, जब तक इनकम टैक्स कुछ नहीं करती है इस तरह के बयानबाजी नहीं दिया जाना चाहिए। और उन्होंने साफ कर दिया है जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, और ये कहा जा रहा था इसका संबंध झारखंड से भी जोड़कर देखा जा रहा था, जहां कई आरोप लगाए जा रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि जो पैसे बरामद किए गए हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल का पैसा है, यहाँ से लूटा हुआ पैसा है, और कांग्रेस पार्टी तक कहीं ना कहीं पैसा पहुंचाने का काम किया जा रहा था। तो उन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए धीरज साहू ने ये कह दिया है कि पैसा उनके फॉर्म का है, यानी इससे संबंधित जितने पैसे बरामद किए गए उनके हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इनकम टैक्स जो है इस मामले में जल्दी पुष्टि करेगी, और इनकम टैक्स के बयान आने के बाद ही वो कुछ कह सकते हैं कि वो और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। वो राजनीति से मामले को जोड़ने से इनकार कर दिया है। नवीन बिल्कुल नीरज, इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे कि हो सकता है ये पैसा जो है वो चुनावों के लिए रखा गया हो, कई तरह की बातें चल रही थी,
नीरज, एक और चीज है, अभी झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कल शुरुआत हुई, और जब शुरुआत हुई सत्र की तो यही मुद्दा गूंजता रहा नीरज, और जब ये मुद्दा गूंजा तो कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो धीरज साहू के समर्थन में नजर आए, और ये भी कहा गया कि ऐसे कठिन समय में पार्टी धीरज साहू के साथ खड़ी है। ऐसे में अब जब जांच पर निगाहें टिकी हुई हैं तो निश्चित रूप से जांच को लेकर भी अब कांग्रेस काफी सक्रिय होगी और जांच रिपोर्ट का इंतजार अब सबको रहेगा नीरज। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और जितने भी विपक्ष के जो विधायक है वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, साथ ही पुष्टि चाह रहे थे तो कांग्रेस की ओर से, और कह सकते हैं इस तरह से घिरने का ये तरीका होता है जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो विपक्ष चाहती के मुद्दों को विधानसभा तक उठाया जाए। साथ ही अगर बता दें अगर नेशनल मुद्दे से देख ले तो लोकसभा में भी ये बातें उठाई गई थी, और जिस तरह से आपने बात कहा कांग्रेस के समर्थन को लेकर, देखिए कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं वो इस बात में बिल्कुल राज्यसभा सांसद जो है धीरज साहू का समर्थन करते नजर आए, जैसे आनंद सिंह जो की बोरमो से विधायक है, उमा शंकर अकेला है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि गठबंधन दल की पार्टी है उनके मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, वो भी समर्थन करते हुए नजर आए हैं, और उन्होंने कहा है कि जब तक इनकम टैक्स की कुछ भी नहीं हो जाती, इनकम टैक्स का कोई बयान नहीं आता, कोई केस भी नहीं आता, ऐसे में वो जो है अपने पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, अपने सांसद के साथ खड़े रहेंगे। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक इनकम टैक्स की ओर से ये पुष्टि नहीं होती है कि जो पैसा बरामद किया गया है वो खुलते हैं, तब तक वो अपने पार्टी और अपने सांसद के साथ खड़े रहेंगे। अनुज सिंह ने भी कहा ये बात कही थी कि अगर इनकम टैक्स में ये साबित हो जाता है कि जो पैसे बरामद किए गए वो अवैध है, ब्लैक मनी है, तो वो भी उनके अगेंस्ट जाएंगे और धीरज साहू के खिलाफ वो भी बोलेंगे। तो नवीन देखिए इंतजार हो रहा है अब पुष्टि का, जब इनकम टैक्स की ओर से पुष्टि हो और इस बात का पता चले कि जो पैसे बरामद किए गए वो किनके हैं। नवीन अब बिल्कुल नीरज, अब जांच रिपोर्ट जब आएगी तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।